नमस्कार, जबलपुर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के अंतर्गत नवीन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण केंद्र में बीपीएल परिवारों के हितग्राहियों को ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसिंग के साथ ही सिक्योरिटी सेक्टर में न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची थाना अंतर्गत सुभाष नगर में बुधवार को सातवें दिन भी संघर्ष समिति के सदस्यों का आमरण अनशन जारी रहा। क्षेत्र की 97 वर्षीय वृद्धा पच्ची बाई और दिव्यांग दशरथ गुप्ता भी साथियों के साथ अनशन पर बैठे। हालांकि यहां पानी समस्या के समाधान के लिए बुधवार को भी कोई नहीं पहुंचा, इससे क्षेत्र के लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सरकारी गैर सरकारी उपक्रमों पर हजारों करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों में उपरोक्त मुद्दों पर केवल कागजातों में फर्जी तरीके से दिखाकर अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चित्र को पोस्ट किया गया जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह से नामदेव समाज के प्रतिनिधियों ने मिलकर सामाजिक चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में बाबूलाल नामदेव, संदीप कौशल, राजेंद्र नामदेव, अशोक नामदेव आदि शामिल थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जैनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जैनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।